अगर कोई हमला करे तो थाने जाने से पहले बदला लो। पश्चिम मिदनापुर के कार्यक्रम में दिलीप घोष का बयान। दिलीप घोष ने कहा, हथियार उठाएं, देवी देवताओं को देखें, उनके हाथ में हथियार होता है। जो अहिंसा की बात करते हैं उनके कान के नीचे झापड़ मारना चाहिए। देव देवी हाथे अस्त्र थाके, अपनार हाथे अमार हाथे थाकबे ना केन? निजेदर हाथे आईनेर परवा ना करे अस्त्र तुले नेन। বেশি গরম দিলে 4 ইঞ্চি কমিয়ে দেন। কে বলল এই কথা? বাংলার বঙ্গ বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দেখুন, বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষকে একবার ফের বিগড়ে বোল। হিন্দুত্ব কে বাহানে হাতিয়ার উঠানে কি ঘোষ কি অপিল। হিন্দুও কে অস্তিত্ব কো বচানে কে লিয়ে উঠায়ে হাতিয়ার। কোই হামলা করে তো থানে জানে সে পহলে বদলা লো। পশ্চিম মিদনাপুর কে কার্যক্রম মে দিলীপ ঘোষ কা বয়ান। দিলীপ ঘোষ নে কাহা, হাতিয়ার উঠায়ে, देवी देवताओं को देखें, उनके हाथ में हथियार होता है। जो अहिंसा की बात करते हैं उनके कान के नीचे झापड़ मारना चाहिए, कहा उन्होंने। और इस तरीके से चुनाव के पहले, चुनाव के रनअप में, चुनाव अभी तो कैंपेन भी ढंग से शुरू नहीं हुआ, नेताओं के बोल क्या दिखा रहे हैं। इससे पहले भी दिलीप घोष ये कह चुके हैं कि जो नहीं सुधरेंगे उनको 4 इंच छोटा कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि लोग अगर इसके बाद, चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरते हैं तो उनके सिर फूटेंगे। दिलीप घोष क्या चाहते हैं, क्यों ये बयान इस तरीके के दिए जा रहे हैं? वो बयान जिनसे सौहार्द बिगड़ सकता है, जिनसे किसी 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 ऐसी घटना का की आशंका होती है जो नहीं होनी चाहिए समाज के भीतर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, सांसद अर्जुन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के बैरकपुर से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। अर्जुन सिंह साहब से सबसे पहले इसके बारे में समझ लें और उसके बाद बाकी मेहमानों का परिचय मैं आपसे कराऊंगा और उनसे भी बात करने के लिए चलेंगे। अर्जुन सिंह साहब, ये क्या है, ये बयान क्यों है, क्या ये जरूरी है? देखिए, बंगाल की स्थिति यह है कि जहां की बात कर रहे हैं हमारे सांसद और हमारे सभापति दिलीप घोष जी, वहां पर एक बजरंग दल की जुलूस जा रही थी, वहाँ महिलाओं के ऊपर हमला हुआ, अत्याचार हुआ, मारा गया, पीटा गया और बहुत सारे लोग घायल हैं। वहीं पर, वहाँ जाकर वो परिस्थिति देखकर उनके उन्होंने इस बात को कहा है। मैं इस तरह की हिंसा को, मैं बात को विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि बंगाल की जो परिस्थिति है, बंगाल में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, घर ये सारी किया ये सारी खबरें हम दिखा रहे हैं, आधे से अधिक मामले अर्जुन जी ये खबरें हम दिखा रहे हैं। हमने ये भी, हमने तब भी बताया जब आपके ऊपर हमला हुआ, हमने तब भी बताया जब जेपी नड्डा जी के ऊपर हमला हुआ। ये नहीं, मैं आपसे स्पष्ट ये पूछना चाहता हूँ कि दिलीप जी ने अचानक आज पहली बार ऐसा किया होता तो ये भी समझते हम कि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए, किसी घटना विशेष के संदर्भ में वो रिएक्ट कर रहे होंगे। लेकिन दिलीप घोष कई जगहों पर इस तरीके की बातें कर चुके हैं, क्या इस तरीके की बातें उसको, जो लीड कर रहा है लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई का अध्यक्ष है, उसको कहना चाहिए ये? देखिए, ये बात तो शायद अच्छी बात नहीं है गणतंत्र में, लेकिन सेल्फ डिफेंस बोल के एक चीज है, संविधान ने भी कहा है कि सेल्फ डिफेंस आप कर सकते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे दिलीप दा ने इस बात को कहा होगा कि अपने रक्षा के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए। और बंगाल की जो परिस्थिति है, आपके टीवी मीडिया और यहाँ तक कि सारे इंटरनेशनल नेशनल मीडिया के दिखाने के बावजूद भी ममता बनर्जी में कोई सुधार नहीं आ रहा है, कानून यहाँ धज्जी। ममता बनर्जी में अगर कोई सुधार नहीं आ रहा है तो वोटर्स के सामने सारी परिस्थितियाँ हैं वो तय कर लेंगे, लेकिन उस समय ये कहना कि देवी देवताओं के हाथों में देखिए हथियार होते हैं, और जो अहिंसा की बात आपसे कहता है ना कि अहिंसात्मक रहो, उसको कान के नीचे एक लगाओ, मैं हाँ नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसकी एनालॉजी देना, लोगों को ये कहना कि हथियार जो है वो उठाए रखना ही आपके लिए। अर्जुन सिंह साहब, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आपने शायद करके कहा कि हमारे गणतंत्र के लिए अच्छा नहीं, आपके नहीं कोई शायद की बात नहीं है। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं, जिस बंगाल के बारे में आपको पता है कि बंगाल के ग्राउंड रियलिटी बहुत खतरनाक अवस्था में पहुंच गई है, यहाँ राजनीतिक हिंसा वामफ्रंट के जमाने में। अर्जुन सिंह जी, आपने जो कहा उसको लेकर मैं बाकी मेहमानों के पास अब चलता हूँ। आपने जो कहा उसको नटशेल में, यहाँ के हालात बहुत बिगड़ गए हैं और आपने ये कहा कि सेल्फ डिफेंस में उनको ये कहना पड़ा होगा, और आपने ये भी कहा कि यहाँ सुधार की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा भी जुड़ रहे हैं, जिनका रुझान हमने देखा है कांग्रेस की तरफ होता है। स्वागत है आपका। संतोष प्रसाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे।
प्रीतिका मजुमदार पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है, और आपसे तो खासतौर से हम इसलिए क्योंकि हमको ये लग रहा है कि 2021 की सबसे बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई अगर कोई है तो वेस्ट बंगाल होने वाला है, और वहाँ से पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री सेट होने वाली है कई कई पार्टियों की। किस तरफ जा रहा है मामला, ये हम आपसे समझेंगे, लेकिन पहले मैं ये समझ लेना चाहता हूँ कि क्या इलेक्शंस भी वॉर हैं, और जैसा कहा जाता है कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, ये वही दिखाई दे रहा है। दीपक, देखिए दिनेश जी, आज समय क्या आ गया कि भाजपा जो है चुनाव के तरीके से नहीं ले रही है। भाजपा ने इस देश को दो फाड़ करने का एक रास्ता ढूंढा है, चुनाव। और चुनाव में कहते हैं हम एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा एकजुटता की बात नहीं करती। भाजपा झूठी कसम खाती है गाय की, गीता की, गंगा की। और कहां झूठी कसम खा ली, झूठी कसमें खाते हैं ये लोग, झूठे हैं। नहीं, आप भी एग्जेजरेट कर रहे हैं। दो चीजें, एक तो आपने ये कहा कि देखिए दो फाड़ किया, दो फाड़ क्या, जनता को आप समझते हैं कि उनके पास अपना कोई बुद्धि विवेक नहीं है, कोई दूध है कि नींबू नीचे उड़ेंगे और दो कई फाड़ कर दिया जाएगा। नंबर एक, नंबर दो, कहां पे झूठी कसम खाई गई है। अब समूल नाश जनता ही करेगी, जनता, क्योंकि जब लात मारेगी भाजपा को, सत्ता से सिंहासन से गिराएगी, क्योंकि इनको अहंकार आ गया है, 300 सीटों का अहंकार। जिस जनता ने इनको सर पे बैठाया था उसी जनता के सर काट रहे हैं। भस्मासुर को जैसे भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था, उस भस्मासुर ने भगवान शिव का ही भस्म करना चाहा। तो ये मोदी जो सरकार है ये भस्मासुर सरकार है, जिस जनता ने इनको सत्ता दिया, सिंहासन दिया, आज उनका ही गला काट रहे हैं। यहाँ किसान सिंघू बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हुए, इनको कोई उनसे लेना देना नहीं है। किसानों से बात नहीं हो रही है क्या? किसानों के साथ बात करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं हो रही है क्या? ये विशेषाधिकार नहीं है। मैं आपको मूल मुद्दे पर लाना चाह रहा हूँ, मैं इस पर लाना चाह रहा हूँ। देखिए ये देखिए, जिस स्क्रीन में आप बैठे हैं उसमें खबर दिखाई दे रही है, कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं, 5 महीने बाद कुछ नहीं बचेगा, यही करना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या एक नजरिया हो सकता है एक पॉलिटिकल ओपोनेंट को ये कहने का कि अब कोई काम नहीं बचेगा? क्या समूल नाश के बारे में कहना एक तरीका हो सकता है? क्या ये जायज है क्या पॉलिटिक्स में, ये बताइए। दिनेश जी, मैं बातें करना चाहता हूँ। आपको बंगाल का सारा भ्रष्टाचार दिखता है, बंगाल में आपको सारी तबाही दिखती है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गायों की हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में गायें सड़कें पे घूम रही हैं, उनका कोई रखवाला नहीं है। आपको गाय की वहां हत्या हो जाती तो आपको दिखाई देता है। ये क्या आपका दोगला व्यवहार है? ये क्या आपका भ्रष्टाचार? क्योंकि 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 वहां चुनाव आ गए हैं इसलिए अचानक वहां सब कुछ नजर आने लगा है, और इसलिए पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर हमला है क्या? प्रीतिका मजुमदार के पास हम चलते आ रहे हैं, निकल जाके पास प्रीतिका मजुमदार के पास, लेकिन मैं पहले जाना चाहता हूं प्रीतिका मजुमदार किधर जा रही है, किधर जा रही है बात 2021 में? जी, सबसे पहले तो मैं सभी जो बंगाली व्यूअर्स है सभी को TV9 भारतवर्ष से मेरे तरफ से अगले साल 2021 की 2029 के लिए बहुत आती हूँ। और दूसरी बात है, मैं बंगाली हूँ, कैमो नाचो कोलकाता के भारत लोग जो है वो कैसे हो वो बंगाली में थोड़ा सा मैं सब सबको ये कहना चाहती हूँ कि 2021 में हम अगर बात करें टैरो कार्ड की, तो देखिए ये बीजेपी के लिए मैं कार्ड उठाया, ये जस्टिस का कार्ड आए हुए है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये बीजेपी के लिए है। आसान नहीं होगा बीजेपी को इस जीत को हासिल करना, बट जो कार्ड मेरे पास आई है ये उम्मीद आप जता सकते हो बीजेपी 99% बीजेपी ही आने वाली है। 99% बीजेपी, आपका टैरो कार्ड जो आपने निकाला वो ये कह रहा है, आप निकालिएगा टीएमसी के लिए कार्ड जरा, वो भी मैं देखूंगा। लेकिन आपने जो बात कही, और खास तौर से जिस तरीके से आपने सबसे पहले शुरुआत की लोगों को शुभकामनाएं देने से, बांग्ला में बोलने से, भद्र लोगों के की जगह पर जहाँ भद्र लोग रहते हैं, जहाँ से असल में बहुत सारी सभ्यता की जो डायमेंशन है उन्होंने जन्म लिया है, वहाँ ये चल क्या रहा है?